तो वैसे इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप लोग जो है अपना YouTube थंबनेल किस तरीके से बना सकते हैं। एक अच्छा थंबनेल बनाना चाहते हैं YouTube के लिए, तो मैं बताऊंगा किस तरीके से आपको बनाना। तो वाइज मैं जो है एप्लीकेशन जो यूज़ करने वाला हूँ, पिक्सेल लैब जो है एप्लीकेशन यूज़ करने वाला हूँ, ये आपको प्ले स्टोर से मिल जाएगी, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी मैं जो है पिक्सेल लैब को कर लेता हूँ ओपन। ओपन करने के बाद आप लोग देख सकते हैं आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। तो वाइज अब आपको क्या करना है, ऊपर की साइड में थ्री डॉट है, थ्री डॉट पर क्लिक करके आपको क्या करना है, इमेज साइज पर क्लिक करना है। इमेज साइज पर क्लिक करने के बाद आपको जो यहाँ से इमेज साइज है वो ले लेना। जैसे मैं यूट्यूब थंबनेल बना रहा हूँ तो यूट्यूब थंबनेल जो वो ले लेता हूँ, उसके बाद ओके कर देता हूँ। ओके करने के बाद मेरे सामने कुछ इस तरीके की इमेज आएगी। अब आपको क्या करना, आपको नीचे की साइड में ऑप्शन दे रखे हैं, 5 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से आपको क्या करना, सबसे लास्ट में जो राइट साइड में सेकंड नंबर का ऑप्शन है उस पर क्लिक करना। उस पर क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कलर का ऑप्शन आया, आपको कलर लेना है। कलर पे से आप लोग देख सकते हैं ये कलर हो गया, ये कलर हो गया। इसमें काफ़ी सारे जो आपको बैकग्राउंड कलर दे रखे हैं, आप जो चाहो इनमें सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ से ये सेलेक्ट कर लेता हूँ। और अब जो है मैं इसमें अपनी जो इमेज है खुद की वो लगाता हूँ। उसे लगाने के लिए क्या करना पड़ेगा, नीचे की साइड में जो राइट साइड में थर्ड नंबर का निशान है उस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद इम्पोर्ट इमेज पर जाना। इम्पोर्ट इमेज पर जाने के बाद यहाँ से आपको अपनी इमेज लेनी है। जैसे कि मैं यहाँ से ये वाली इमेज जो ये सिलेक्ट कर लेता हूँ, इसे सिलेक्ट करने के बाद जो यहाँ लगा देता हूँ इस तरीके से, इसको यहाँ सेट कर देता हूँ। इसको सेट करने के बाद इसका बैकग्राउंड मतलब इसका स्ट्रोक है, स्ट्रोक लगा देता हूँ उस पर, जैसे कि ये वाला। इसमें जाकर मैं व्हाइट कलर का जो स्ट्रोक लगाऊंगा, आप लोग देख सकते हैं व्हाइट कलर का स्ट्रोक जो काफ़ी अच्छा लग रहा है इस तरीके से, इसको सेव कर देता हूँ। सेव करने के बाद ऊपर लेयर पर जाकर इसको जो है लॉक कर देता हूँ। लॉक करने के बाद फिर से लेयर पर जाता हूँ। लेयर पर जाने के बाद अब आपको क्या करना, अब जो मुझे टाइप करना, तो गाइस जैसे मैं टाइप करूँगा उस तरीके से आप भी टाइप कर सकते हैं। नीचे साइड में ए का निशान है, आपको इस पर क्लिक करना। इस पर क्लिक करने के बाद टेक्स्ट पे क्लिक करना। टेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद एडिट पे क्लिक करना। एडिट पे क्लिक करने के बाद आपको जो यहाँ मैं टाइप कर देता हूँ डिलीट जीमेल। इसके बाद जो है इसको ओके कर देता हूँ। ओके करने के बाद इसको थोड़ा सा साइज़ बढ़ाने के लिए नीचे की साइड में स्क्रॉल करेंगे, स्क्रॉल पर जाकर साइज आएगा, साइज पर जाकर आपको उसको साइज़ बढ़ा देना इस तरीके से। इस तरीके से इसको बढ़ाने के बाद जो है, तो वही इसके बाद क्या करना है, आपको इसको साइज बढ़ाने के बाद उसको सेव कर देना। सेव करने के बाद जो है आपको आगे से स्क्रॉल करना। स्क्रॉल करने के बाद आपको कलर लेना। कलर यहाँ से आप कोई भी चूज़ कर सकते हैं, जैसे रेड कलर हो गया, ये येलो कलर हो गया, तो मैं येलो कलर जो है चूज़ कर लेता हूँ और इसको जो है ओके कर देता हूँ। ओके करने के बाद जो है अब मैं यहाँ से जो है और स्क्रॉल करता हूँ। स्क्रॉल करने के बाद ए बी फॉन्ट लिखा हुआ है, फॉन्ट पर आपको क्लिक करना। फॉन्ट पर क्लिक करने के बाद यहाँ से मैं जो है फॉन्ट अमरनाथ गोल्ड ये वाला ले लेता हूँ, या फिर आर अमरीश ले लेता हूँ, तो इसको ले लेता हूँ। इसको लेने के बाद जो मैं इसको ओके कर देता हूँ। ओके करने के बाद आप लोग देख सकते हैं मेरा जो फॉन्ट चेंज हो चुका है, काफ़ी अच्छा लग रहा है। इसके बाद आपको क्या करना, बैकग्राउंड लेना चाहते हो तो बैकग्राउंड ले सकते हो। बैकग्राउंड लेने के लिए आपको बैकग्राउंड पर क्लिक करना और इसको इनेबल कर देना। इनेबल करने के बाद आपको क्या करना है, इससे बैकग्राउंड लेने के लिए कलर आपको दे रखे हैं, यहाँ से आप जो है ब्लैक कलर हो गया, वाइट कलर हो गया, इस तरीके से आप कोई भी कलर यहाँ ले सकते हैं, जैसे कि रेड कलर हो गया। तो गाइस इस तरीके से आप भी जो है बैकग्राउंड कलर ले सकते हैं। और चलिए मैं यहाँ से जो है एक कलर सेलेक्ट कर लेता हूँ, जैसे कि मैंने ये ब्लू कलर जो है सेलेक्ट कर लिया। इसके बाद नीचे स्क्रॉल करना, इसको हल्का सा आगे कर देना, और इसके बाद सेकंड वाला इसको हल्का सा बढ़ा देना, और उसके बाद लास्ट में कर देना। स्क्रॉल करने के बाद रेड्यूस लिखा हुआ है, रेड्यूस को आपको जो है पूरा कर देना। इस तरीके से आपका जो आकार है गोलाकार बन जाएगा, काफ़ी अच्छा लगेगा। इसके बाद इसको ओके करके सेव कर देना और इसको थोड़ा सा आगे कर देना इस तरीके से। गाइस ऊपर की साइड में लेयर का ऑप्शन है, लेयर के ऑप्शन में जाकर इसको जो है लॉक कर देना। लॉक करने के बाद फिर से लेयर पर जाना, और इस तरीके से जो हमारा कुछ इमेज जो है सेट हो जाएगा। इसके बाद क्या करना, इसके बाद जो है हमें फिर से टेक्स्ट पे जाना। टेक्स्ट पे जाने के बाद जो है एडिट पे जाना। एडिट पे जाने के बाद इसको रिमूव करना यहाँ से नेक्स्ट टेक्स्ट को। इसके बाद जो है जो कुछ भी आपको टाइप करना है यहाँ से आप टाइप कर सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ टाइप कर सकता हूँ। इसके बाद जो इसको टाइप करने के बाद जो है थोड़ा सा फिर से पहले की तरह जो है बड़ा करेंगे साइज़ को इस तरीके से। आपके बाद जो मैंने हिंदी में टाइप किया, हिंदी में टाइप करने के बाद आपको करना सेव कर देना। सेव करने के बाद आपको कलर चेंज करना। फिर से कलर के लिए यहाँ से जो है मैंने पहले येलो कलर लिया था, अब की बार जो है मैं रेड कलर जो है या फिर वाइट कलर जो है वाइट कलर ले लेता हूँ। वाइट कलर को जो है ओके कर देता हूँ। ओके करने के बाद जो है फिर से मेरे को फॉन्ट पर जाना, ए बी फॉन्ट। ए बी फॉन्ट पर जाने के बाद जो मेरे को यहाँ से जो है फॉन्ट सेलेक्ट करना, जैसे कि मैं सेलेक्ट करता हूँ, जैसे कि इसको जो मैं यहाँ से कैंसिल कर देता हूँ, फॉन्ट सेलेक्ट नहीं करता। फॉन्ट के सामने एक और है, फॉन्ट से आगे जो है स्टाइल है, स्टाइल मतलब बी लिखा हुआ है, बी के नीचे स्टाइल लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करना। इस पर क्लिक करने बाद जो फर्स्ट वाला जो बी है, बी पे आपको क्लिक करना। इस तरीके से आपको जो है बोल्ड हो जाएगा, काफ़ी अच्छा लगेगा। इसके बाद इसको सेव कर देते हैं। सेव करने के बाद जो है अब क्या करना, बैकग्राउंड इसमें मैं लगाना नहीं चाहता, तो इसलिए इसमें क्या करना, स्ट्रोक लगा देते हैं। स्ट्रोक लगाने के लिए क्या करते हैं, स्ट्रोक को इनेबल करते हैं। इनेबल करने के बाद यहाँ से मैं जो कर लेते कलर जो है ले लेता हूँ, जैसे कि मैं यहाँ से ब्लैक कलर जो वो ले लेता हूँ, और इसको थोड़ा सा
बड़ा कर देता हूँ, और इस तरीके से ब्लैक नहीं, अगर ब्लू कलर देख सकते हैं आप इस तरीके से, तो ब्लैक ही ठीक है। इसके बाद जो सेव कर देता हूँ, सेव करने के बाद आप लोग देख सकते हैं काफ़ी सारे ऑप्शन आपको दे रखे हैं। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, एक ऑप्शन और इसमें आप देख सकते हैं कर्व, ABC कर्व, इस पर क्लिक करते हैं। इस पर क्लिक करने के बाद आप लोग देख सकते हैं इस तरीके से, अगर हम कर्व करते हैं तो हमारी जो इमेज इस तरीके से जो है कुछ हो जाएगी। तो हम इसको जो है कर्व नहीं करते हैं, इसको जो है कैंसिल कर देते हैं। इसके बाद फिर से लेयर पर जाते हैं, लेयर पर जाने के बाद इसको जो है लॉक कर देते हैं। लॉक करने के बाद जो है अब क्या करना, अब जो है हमें यहाँ पर जी मेल का कोई लोगो लगाना, लोगो लगाने के लिए क्या करना, फिर से जो नीचे की साइड में राइट साइड में थर्ड नंबर का निशान है इस पर क्लिक करना और इंपोर्ट पर जाना। इंपोर्ट पर जाने के बाद आपको यहाँ से कोई जी मेल का लोगो ले लेना, जैसे कि यहाँ से जो मैंने सेव कर रखा है जी मेल का लोगो, तो ये वाला लोगो है, मैं इसको ले लेता हूँ इस तरीके से क्रॉप करके थोड़ा सा, इसको जो है इस तरीके से यहाँ लगा देता हूँ, आप लोग देख सकते हैं। इसके बाद क्या करना, आपको नीचे की साइड में जाके ऑप्शन पर जाकर स्क्रॉल करना, स्क्रॉल करना, यहाँ पर लिखा है इरेज कलर, इरेज कलर पर क्लिक करना, इसको इनेबल कर देना। इनेबल करने के बाद फर्स्ट नंबर का टूल रेंज से इसको जो है आपको प्लस करना है इस तरीके से, इसको प्लस कर, इसको प्लस करने के बाद इसको सेव कर देना। सेव करने के बाद आपको स्ट्रोक पर जाना, स्ट्रोक पर जाने के बाद यहाँ से इलेवन स्ट्रोक को इनेबल करना है, और उसके बाद वाइट कलर चूज़ करके थोड़ा सा प्लस कर देना इस हिसाब से। इस हिसाब से तो गाइस थोड़ा भी दिक्कत है, तो इसको कैंसिल करते हैं फिर से और इरेज कलर पर जाते हैं। इरेज कलर पर जाने के बाद जो हमने लाइन टूल रेंज प्लस की थी इसको थोड़ा कम करते हैं इस तरीके से। इसको कम करने के बाद जो है इसको फिर से सेव करते हैं, फिर से दोबारा से स्ट्रोक पर जाते हैं, स्ट्रोक पर जाने के बाद इनेबल करते हैं, इनेबल करने के बाद स्ट्रोक को बढ़ाते हैं। तो गाइस अब आप लोग देख सकते हैं हमारा जो है जीमेल अच्छे से दिख रहा है और काफ़ी क्लियरिटी के साथ दिख रहा है और अच्छा भी लग रहा है। तो इसको जो है लॉक कर देते हैं लेयर पर जाके। इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद इंपोर्ट पर जाना। इंपोर्ट पर जाने के बाद क्या करना, यहाँ से आपको क्या करना, तो भाई ऐसे करते हैं खुद से कुछ टाइप कर देते हैं। जैसे कि मैं टाइप करता हूँ, टाइप ऑप्शन पर जाता हूँ एक, और टेक्स्ट जाता हूँ। टेक्स्ट पर जाने के बाद जो है मैं एडिट करता हूँ। एडिट करने के बाद जो है मेरे को क्या करना है, अब मेरे को टाइप करना हाउ टू रिकवर डिलीटेड जीमेल अकाउंट। इसको ओके कर देते हैं। ओके करने के बाद जो है इसको नीचे की साइड में लाते हैं और थोड़ा सा इसको इस तरीके से कर देते हैं, आप लोग देख सकते हैं इस तरीके से। और इसके बाद क्या करना, इसके बाद जो है आपको जो है फिर से क्या करना, कलर पर जाना। कलर पर जाने के बाद यहाँ से आप एक कलर चूज़ कर सकते हैं, जैसे मैं येलो कलर है वो चूज़ कर लेता हूँ और इसको सेव कर देता हूँ। सेव करने के बाद अब क्या करना, अब जाना है फॉन्ट पे। फॉन्ट पे जाने के बाद जो है आपको यहाँ से अमरनाथ बोल्ड है वो फॉन्ट ले लेता हूँ, उसके बाद ओके कर देता हूँ। ओके करने के बाद अब क्या करना, बैकग्राउंड में इसमें लगाना नहीं चाहता, लेकिन इसमें जो है स्ट्रोक लगाना चाहता हूँ। स्ट्रोक पर जाते हैं, स्ट्रोक पर जाने के बाद इनेबल करते हैं। इनेबल करने के बाद ब्लैक कलर जो है उसको चूज़ कर लेते हैं। चूज़ करने के बाद जो है स्ट्रोक विथ जो उसको जो है प्लस कर देते हैं इस तरीके से, इस तरीके से प्लस करना इस तरीके से। और इसके बाद जो है इसको ओके कर देते हैं। तो आप लोग गाइस देख सकते हैं हाउ टू रिकवर डिलीट जीमेल अकाउंट, तो ये हमारा टाइप हो चुका है, काफ़ी अच्छा लग रहा है। इसके बाद इसको लेयर पर जाकर जो है लॉक कर देते हैं फिर से। और फिर इसके बाद क्या करना, इसके बाद जो है इंपोर्ट पर जाना। इंपोर्ट पर जाने के बाद जो है आपको क्या करना, यहाँ से जो है मैं कोई जो है इमेज ले लेता हूँ। तो गाइस यहाँ से जो है रेड कलर का डिलीट का एक इमेज है, इसको ले लेता हूँ। इसको जो क्रॉप करके है यहाँ से इस तरीके से, इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं इस तरीके से क्रॉप कर देता हूँ। क्रॉप करने के बाद इसको सेव कर देता हूँ। सेव करने के बाद जो इसको थोड़ा सा साइज़ छोटा करता हूँ। साइज़ छोटा करने के बाद इस तरीके से यानी नीचे साइड में जो है सेट कर देता हूँ। उसके बाद जो है हमें फिर से क्या करना है, इरेज कलर पर जाना है। इरेज कलर पर जाना है, इनेबल कर देना। इनेबल करने के बाद जो है थोड़ा सा प्लस कर देना है इस तरीके से। प्लस करने के बाद सेव कर देना। सेव करने के बाद स्ट्रोक पर जाना, स्ट्रोक पर जाने के इनेबल करना। इनेबल करने के बाद स्ट्रोक को थोड़ा सा प्लस कर देना इस तरीके से। और फिर से लेयर पर जाना, लेयर पर जाने के बाद इसको लॉक कर देना। लॉक करने के बाद आ गाइस आप लोग देख सकते हैं हमारे जो डिलीट का जो हमने लोगो लगा था कुछ इस तरीके से दिखेगा। तो इसके बाद क्या करना, आपको फिर से इंपोर्ट पर जाना। इंपोर्ट पर जाने के बाद जो है आपको अपना यूट्यूब चैनल का जो लोगो है वो यहाँ से लगा देना। जैसे कि यहाँ से मैं इसको सेट कर लिया, यहाँ से जो है मैंने गैलरी में पहले ही जो है सेव कर रखा था, इसको यहाँ से सेलेक्ट करते हैं। सेलेक्ट करने के बाद इसको इस तरीके से थोड़ा साइज़ थोड़ा छोटा करते हैं। साइज़ छोटा करने के बाद जो है आप लोग देख सकते हैं
इस तरीके से, और यहाँ से इसको उठा के जो है अपने नीचे की साइड में यहाँ सेट कर देते हैं जिस तरीके से आपको अच्छा लगे। तो इसका साइज थोड़ा सा और छोटा कर देते हैं इस तरीके से। तो गाइज मैंने अपना लोगो सेट कर दिया, इसके बाद लेयर पर जाते हैं, लेयर पर जाने इसको सेव कर देते हैं, लॉक कर देते हैं। लॉक करने के बाद जो है अब करते हैं इसको डाउनलोड। डाउनलोड करने के लिए आप कर रहा है ऊपर की साइड में जो है एक प्लस का आइकन दे रखा है, इसके साइड में एक ऑप्शन दे रखा है, इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद सेव एज इमेज पर जाना। सेव एज इमेज पर जाने के बाद जो है कस्टम पे नीचे की साइड में देखना है कि इमेज 1280x720 के ऊपर जो कस्टम लिखा हो कस्टम को क्लिक करना। कस्टम पर क्लिक करने के बाद अल्ट्रा पे जाना नीचे की साइड में। अल्ट्रा पे जाने के बाद जो है उसको सेव टू गैलरी कर देना। तो गाइस आपकी जो इमेज है फुल HD में सेव हो जाएगी। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन है, समझ में कुछ नहीं आया तो मेरे को कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको जो है कमेंट में समझा दूंगा अगर कोई भी दिक्कत है।